आदाब नाज़रीन, मैं हूं अली शरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शख्सियत हिंद में जिक्र है अब्बास अली का, जिनकी विलादत 3 जनवरी 1920 को हुई और आपकी वफात 11 अक्टूबर 2014 में। आप ही हिम्मत और बहादुरी और जज्बे की मिसाल हैं और आपकी इन मिसालों को जाहिर ही नहीं किया जा सकता। आप एक हिंदुस्तानी आजादी पसंद और सियासतदान थे जो सुभाष चंद्र बोस की कियादत में इंडियन नेशनल आर्मी में कैप्टन थे। बाद में वो सोशलिस्ट तहरीक में शामिल हो गए और राम मनोहर लोहिया के करीब साथी भी थे। तो आइए जानते हैं आपकी तमाम जिंदगी का सवाना इस प्रोग्राम में। अब्बास अली 3 जनवरी 1920 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले खरजा में पैदा हुए। एक मुसलमान राजपूत घराने में अपने इब्तदाई दिनों से ही वो भगत सिंह के इनकलाबी नजरियात से मुतासिर हुए और नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, एक तंजीम जिसे सिंह और उनके साथियों ने कायम किया था जबकि वो ख्वारजा में हाई स्कूल के तालिब इल्म थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दरमियान वो कन्नौर मोहम्मद अशरफ के रबते में आए और ऑल इंडिया एसोसिएशन फाउंडेशन के रकन बन गए। फौज में बगावत की तहरीक पर उन्होंने 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपने खिदमात के दरमियान दूसरी जंग अजीम के दरमियान वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग डिपो, फिरोजपुर RISC स्कूलों जैसे बेंगलोर में तैनात रहे। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने बगावत की कॉल दी और वो बर्तानोई फौज को छोड़कर इंडियन या आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर नेशनल आर्मी गए, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई। जब हिंदुस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की तो उन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत ने हरा कर रख दिया था। आप अब्बास अली, जिस तरह से आपका नाम है उस तरह से ही आपकी पहचान भी रही है। हाँ, ये और बात है कि अब हिंद के कुछ लोग इन्हें नहीं जानते, लेकिन आपका मकाम अभी वही है जो पहले था। आपकी तमाम जिंदगी तो कुछ इस तरह से रही, तो अब जानते हैं कि आपकी सियासी जिंदगी किस तरह से गुजरी है। देखते हैं इस प्रोग्राम में। 1948 में अब्बास अली ने नजीर देवा, जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की जैर कयादत सोशलिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और तमाम सोशलिस्ट यानी सोशलिस्ट पार्टी, परचा सोशलिस्ट पार्टी और सियोकत सोशलिस्ट पार्टी से वाबस्ता रहे, यहाँ तक कि उनकी अवाम पार्टी में जम हो गई। 1977 में SSP की सैम्य सोशलिस्ट पार्टी, 1966 उत्तर प्रदेश यूनिट के जनरल सेक्रेटरी थे और सोशलिस्ट पार्टी के बार तरतीब थे। 1974 में सोशलिस्ट पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव और उनके पार्लिमानी बोर्ड के रकन भी थे। 1967 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में चरण सिंह की कियादत में पहली बार गैर कांग्रेसी संयुक्त हुकूमत की तश्कील में कलेदी SVD किरदार अदा किया, जो 1989 में हिंदुस्तान के वजीर आजम बने थे। हवाला दरकार सोशलिस्ट तहरीक के दरमियान 1974 में वो वसूल नाफरमानी की मुख्तलिफ तहरीकों में 50 से ज्यादा मरतबा गिरफ्तार भी हो गए। इमरजेंसी के दरमियान 77 और 75 के दरमियानी वक्त में वो डिफेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इंडिया यानी कि DIR राज के तहत 19 माह तक सिक्योरिटी एक्ट कैद रहे और जब 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और जनता पार्टी इक्तदार में आई तो वो पहले सदर बने। जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के हवाला दरकार में वो 6 साल के लिए यूपी कानून साज काउंसिल के मुंतखब हुए। वो 6 साल तक यूपी स्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रकन थे। उन्होंने 2008 में अपनी सवाना अमरी ना रहून किसी का
दस्तयाब मेरा सफरनामा लिखा, जो 3 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में उनके 9वीं सालगिरह के मौके पर मोहिन किया गया। और मालम सिंह यादव, रामविलास पासवान, रामजाल समन, सगीर अहमद और बहुत से लोगों के जरिए जारी किया गया। दूसरे दोस्त और साथी अली का इंतकाल 11 अक्टूबर 2014 को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में दिल के दौरे पड़ने की वजह से हो गया था। फिलहाल की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और शख्स के किस्से को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।